हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। और कैसे हैं आप सब लोग? यार आज सुबह सुबह एक पंगा हो गया मेरी गाड़ी में साथ, थोड़ा सा लाइक एक छोटा सा एक्सीडेंट, छोटा सा तो नहीं बोलूँगा, इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो काफ़ी मेजर एक्सीडेंट ही कह सकता हूँ उसको। बट स्टिल इससे मुझे एक चीज़ तो पता चली कि यार क्यों इस कार को वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया बोलते हैं, और क्यों इस कार को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। एंड इस 5 स्टार की रेटिंग होने से क्या फ़ायदा होता है यार, वो मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि क्यों हम लोगों को एक सेफेस्ट कार ही चुननी चाहिए जब बात आती है सेफ्टी की। तो आज सुबह का क्या सीन था गाइस, एक्चुअली मैंने गाड़ी पार्क कर रखी थी और मैं गाड़ी के अंदर ही था, एंड साथ में से वो जो एक लोडेड टेम्पूज होता है टाटा का ही था, इवन वो टाटा का ही टेम्पू था, एंड वो जो इवन छोटा हाथी बोलते हैं जिसे आई गेस वो था, एंड उसने यहाँ से इसको साइड से हिट किया, आप देखेंगे इस तरफ। एक्चुअली गाइस जो आपको ये इम्पैक्ट दिख रहा है, ये इम्पैक्ट इससे कहीं ज़्यादा था। एक्चुअली गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए थे। ये गाड़ी का जो इम्पैक्ट हुआ था वो टाटा एस के साथ हुआ था, जिसे हम छोटा हाथी भी बोलते हैं। एक्चुअली जब गाड़ी का इम्पैक्ट हुआ था तो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस थे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये रबिंग पॉलिश के बाद बना रहा हूँ, तो रबिंग पॉलिश की वजह से इसमें काफ़ी सारे स्क्रैचेस हट चुके हैं, पर जब गाड़ी का इम्पैक्ट हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए थे यार गाड़ी में। साइड से हिट किया एंड इम्पैक्ट काफ़ी, इनफैक्ट मुझे लगा जब मैं अंदर था तो मुझे लगा काफ़ी ज़ोर से इम्पैक्ट पड़ा है, बट जब मैंने बाहर आके देखा तो अगर आप इस पोर्शन में देखेंगे तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे कहीं पे डेंट नहीं दिखा, डेंट पूरी बॉडी में नहीं पड़ा है कहीं पे भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये स्क्रैच पड़ गया है, ये पेंट थोड़ा यहाँ से निकल गया है, बट बॉडी पे ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया इसका। तो आई थिंक ये क्वालिटी ही है इस गाड़ी की, इस टाटा की, इसकी जो इसमें टाटा ने जितना लोहा लगा रखा है कहेंगे तो ये क्वालिटी ही है इसकी, जिसकी वजह से गाड़ी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ और ये बच गई। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और कार होती, इवन फैक्ट मैं मारुति की बात करूँ या होंडाई की बात करूँ, कोई और होती तो मे बी हो सकता है कि ये ज़्यादा डैमेज हुआ होता, बट टाटा की कार है, सेफेस्ट कार है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, तो इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला मुझे। और जैसे कि आप देख सकते हो ये पोर्शन जहाँ पे लगी थी, इस पोर्शन में यहाँ से पेंट निकला है, बट यार एक कंसर्न हुआ मेरा वो पेंट क्वालिटी को लेके हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे जिस हिसाब से यहाँ पेंट निकला है और ये पेंट यहाँ से निकल ही रहा है, आप देखो तो इस पेंट को इस तरह से निकलते हुए, और आप देख रहे हो यहाँ पीछे से आपको सिल्वर स्टील दिख रही होगी, इसकी यहाँ प्लेट्स दिख रही, मतलब सिल्वर वो दिख रहा होगा पीछे पीछे, तो ऐसा मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं कि कभी किसी का पेंट इस तरह से निकलते हुए किसी कार पे। तो थोड़ा सा मुझे, और ये सिल निकल भी रहा है, ये अभी भी आप इसको देखोगे ना तो ये पेंट, अगर मैं इसको और थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखेगा ये पेंट अभी भी निकल रहा है, और ये अलग तरीके से ही कुछ निकल रहा है, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं वैसे कार में इस तरह से पेंट निकलते हुए। तो थोड़ा सा पेंट क्वालिटी को लेके मुझे इशू लग रहा है इस कार में, अदरवाइज़ अगर मैं बिल्ड की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी तो आज प्रूफ हो ही गई है कि इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आई डोंट थिंक सो आपको किसी और कार में दिखेगी। तो यार ये तो मानना पड़ेगा कि टाटा ने जो कार बनाई है ना ये वाकई में सेफेस्ट कार है, और इस कार का यार मैं क्या ही बताऊँ, मुझे आज फील हो गया बिकॉज़ मैंने इससे पहले और भी कार ओन्स करी है, तो मुझे पता चल गया यार कि जो एक्चुअली जो सेफेस्ट कार बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं इस कार को, और कहीं ना कहीं यार वो सेफेस्ट कार होने से आपको ही बेनिफिट है, एक आपको जो एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलती है और जो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ड्राइवर को ऐसे सेफेस्ट कार में बैठ के ड्राइव करते समय, तो वो अलग ही है। तो यही था, अब मैं देखता हूँ इसको, करवाता हूँ इसको, एंड देखते हैं इसमें पेंट होगा इस पार्ट को या कैसे मैं इसको करता हूँ, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, वीडियोस बनाता हूँ उसके बारे में। एंड और इस कार से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। और किसी और टॉपिक को अगर हमें कवर करना है इस कार से रिलेटेड या कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।